शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा शहर के संविधान चौक पर भाजपा के दो नेताओं को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश व बदनामी का ऑडियो क्लिप एक चैनल द्वारा दिखाई दिया था, जिसका विरोध करते हुए निषेध आंदोलन किया गया है। साथ ही इस वीडियो क्लिप की निष्पक्ष जांच की मांग भी इस समय की गई। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मनपा अधिकारी एवं ब्लैक मेलर के अवैध गठबंधन का निषेध कर ऑडियो क्लिप की जांच कर दोषियों को कड़ी सजा करने की मांग की गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर महानगर द्वारा यहां पर आज हम आंदोलन कर रहे हैं। कल जो एक किसी नेशनल चैनल ने एक ऑडियो क्लिप जारी करी थी कि जिसमें कोई दो लोग हमारे सम्माननीय निष्कलंकित नेताओं को हनी ट्रैप में फंसाने की और उनकी बदनामी और उनको ब्लैकमेल करने की बातें कर रहे थे। एक तो सबसे पहली मांग हमारी ये है कि वो ऑडियो क्लिप आधी अधूरी दिखाई गई है। उस नेशनल चैनल से अनुरोध है कि वो ऑडियो क्लिप बहुत बड़ी है, जो जानकारी हमारे पास हम तक प्राप्त हुई है वो ऑडियो क्लिप बड़ी है, और उस ऑडियो क्लिप में सम्माननीय न्यायालय, सम्माननीय मंत्री, इनका अपमान उस ऑडियो क्लिप में किया गया है। हम महाराष्ट्र शासन से अनुरोध करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, विनती करते हैं कि उस ऑडियो क्लिप की निष्पक्ष जाँच हो, और जो ब्लैकमेकर है, और हमें बताते वक्त बहुत दुख होता है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी नागपुर महानगर पालिका के भी उसमें इन्वॉल्व है, ऐसी जानकारी भी हमारे पास है। लेकिन हम अनुरोध कर रहे हैं, हम आंदोलन आज इसलिए कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमारे जो निष्कलंकित नेता है, हमारे जो प्रामाणिक नेता है, उनको बदनाम करने की एक घटिया साजिश नागपुर महानगर पालिका के कुछ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। भाजपा युवा मोर्चा की अध्यक्षा शिवानी दानी के नेतृत्व में यह निषेध आंदोलन किया गया था। शिवानी दानी के हाथों इस समय संविधान चौक स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले को माल्यार्पण कर यह आंदोलन शुरू किया गया। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।